हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण में यहाँ पर मैं तट पे खड़ा हूँ, सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं एनसीसी के थ्रू मुझे पता चला, मैं टीवी पे देखा मैंने, तो फिर मैं यहाँ पे गंज थाने गया, ऐसे ही साहब से मिला, उन्होंने बोला आप कर सकते हो सेवा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तो मैं यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी देता हूँ, 8 से 12 घंटे की मेरी ड्यूटी रहती है यहाँ पे, मैं देता हूँ ड्यूटी। और मैं मर्चेंट नेवी में भी हूँ, मैंने दिल्ली से श्रीराम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करी है, श्रीराम इंस्टीट्यूट द्वारका सेक्टर 28 में। हमारा जोगिंदर सर है, हमारे वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बच्चों को वहाँ से ट्रेनिंग करके पास करवाते हैं। मैंने वहाँ पे 6 महीने ट्रेनिंग करी थी और फिर मुझे यहाँ पे अवसर मिला कि आप यहाँ पे योगदान दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेवा के लिए आ जाता हूँ सुबह 8 बजे। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे योगदान करने का, मैं यहाँ पे रट पे खड़ा रहता हूँ। किसी और को कुछ कहना देना? मैं किसी और को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नहीं, अगर कहीं आप कॉलोनी में रहते हो, अपनी 3-4 जनों की टीम बनाकर बहुत अच्छे से आप सेवा कर सकते हो। जिनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है तो सेवा उनको दे सकते हो, खाने पीने की सारी ज़रूरतें सामान, जो अपनी 3-4 जनों की टीम बना के उनको ऐसी सेवा दो कि वो आपको ही करे, कॉन्टैक्ट करें, आपसे बात कर सकें, उनको मदद मिले, हर एक चीज़ की सहायता मिले, खाने पीने की किसी भी चीज़ की कमी हो तो उनको पहुँचाएँ, या फिर मुझसे संपर्क करें तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। और जितने भी कॉलोनी में लड़के वगैरह रहते हैं तो अपनी 3-4 जनों की टीम बना लें, सहयोग बनाएं, जो भी कॉलोनी में आता है उनसे पूछो कि कहाँ से हो, नाम पता सब एड्रेस लो उनसे। तो ये जो कॉलोनी में वायरस है, इतना बड़ा वायरस है कोरोना वायरस, COVID-19, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं मिला है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप सभी सेवा में लगे और जितना बन पड़े उतना तो कर ही सके। अगर यहाँ पे सेवा नहीं दे सके तो कहीं और तो सेवाएं दें, और एनसीसी के जो भी और भी पब्लिक है, और भी जनता है जो भी एनसीसी के बाहर आना चाहती है, अपने पास ही चौकी से संपर्क करें। और बहुत अच्छा अवसर है ये, पहली बार मुझे भी अवसर मिला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके, धन्यवाद। मेरा नाम वागेश वर्मा है, मैं रामनगर रहने वाला वासी हूँ। कोरोना वायरस को लेकर मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज मिला था तो कि आप अपनी सेवा देना चाहते हो तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेकर आप नज़दीकी थाने के अंदर चले जाओ। तो हम लोग आए थे गंज थाने में अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके कि हमें सेवा देना सेवा देनी है, तो हम आए थे तो एसपी साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा आप सेवा देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो हम अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। हमें 4 से 5 दिन हो गए सर। आप घर जाते हैं कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं ऐसी बीमारी के बीच में आप सेवा देना? हाँ, घर वालों को थोड़ा लगता है, बट घर वाले खुश होते हैं कि मेरा बेटा जा रहा है सेवा देने के लिए जा रहा है, क्योंकि क्योंकि हमारे हम हमारे माता पिता हैं तो वो तो, लेकिन दूसरे जो पुलिस वाले हैं उनके भी तो माता पिता ऐसे सोचेंगे तो उनको कौन भेजेगा, तो वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं तो हम भी अपनी सेवा दे रहे हैं। कैसा लगता है सेवा देने में? आपकी कितनी परेशानी सामना करना पड़ता है? सेवा देना में तो परेशानी तो छोटी मोटी होती है, बट अच्छा लगता है कि हम देश के लिए कर रहे हैं तो उसमें परेशानी का क्या काम, देश के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, मैं अपने युवाओं को जो एनसीसी है उनको, जो एनसीसी कर रखी है उन्होंने उनको उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी थाने में जाओ अपना सर्टिफिकेट लेके, और आप अपनी स्वेच्छा से अगर सेवा देना चाहते हो तो अपने नज़दीकी थाने में जाकर सेवा दो। और जो लोग घर पे बैठे हैं वो भी अगर सेवा देना चाहते हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो 3-4 लोगों का अपना ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपना ग्रुप बनाएं, और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि कोई 4-5 लोग या लोग झुंड बनाकर बैठे हैं उनकी वीडियो बनाकर हमको भेजे, जिस तरह से भी सहयोग देना चाहे वो अपने घर से भी दे सकते हैं। मेरा नाम सर राहुल सोनगरा है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ सर। आप